देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं पटना में रहता हूँ। ये घटना है आज से ठीक 4 साल पहले की, जब मैं शहर से ऑफिस का काम खत्म करके वापस अपने घर जा रहा था। मेरा घर ऑफिस से थोड़ी दूरी पर था और मुझे अपने घर तक जाने के लिए एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था और मैं अकेले ही उस रास्ते से होकर गुजरता था। मेरे लिए इन रास्तों से सफ़र करना आम बात हो गई थी, क्योंकि रोज़ सुबह शाम मैं उस रास्ते से गुजरता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज तक कभी अकेले फिर अपने ऑफिस नहीं गया। बात दरअसल तब की है जब एक दिन ऑफिस के काम के चलते मुझे ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था और छुट्टी लेट मिलने की वजह से बाहर अंधेरा हो गया था। घर से बार बार कॉल भी आने लगी थी। मैंने घर पर कह दिया कि मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूं, आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ही काम था। इतना कहते हुए मैंने कॉल काट दिया और फिर मैं जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। पटना का वो रास्ता रात में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। ठंड के कारण रात में ओस की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर भी चौकन्ने होकर रास्ते की ओर देखते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। मैं ऑफिस के काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था, लेकिन इस सफ़र में मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी थकान जैसे गायब सी हो रही हो। मैं बहुत ही शांत आसपास की चीज़ों का लुफ्त उठाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। ठंड के दिनों में सफ़र करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरे हाथ जैसे ठंड के मारे जाम पड़ रहे हों। वो तो शुक्र था कि मैंने एक मोटी सी जैकेट पहन रखी थी, वरना ठंड के मारे मेरी कुल्फी बन जाती। मैं आसपास की चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक से ना जाने बादल गरजना कहाँ से शुरू हो गए। बादल की चमक से पैदा हुई वो रोशनी से कभी कभी पूरी सड़क दिखाई पड़ जाती थी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं ये बिजली मेरे ही ऊपर ना गिर जाए। मैं ये सोच ही रहा था कि अब तक ये सड़क पूरी तरह सुनसान और अंधेरे से भर चुकी थी। मैं जल्दी से जल्दी इस रास्ते को ख़त्म करके अपने घर पहुंचना चाहता था कि अचानक से मैंने जो देखा उससे मेरी आंखों की पुतलियां सी फैल गईं। मैं पूरी तरह से अब डर गया था। एक बार वापस से बिजली चमक उठी थी और उसकी रोशनी में मुझे मेरे बाइक के सामने ही एक लड़की दिखी। उसे देखकर मैं एक पल को तो पूरी तरह से घबरा गया था और तुरंत ही मैंने ब्रेक लगा दिया। सही समय पर ब्रेक लगा था, जिससे वो लड़की मेरे बाइक के सामने आते आते बची। मैंने मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, वो भी इतनी रात को। वो लड़की डर के मारे मेरे बाइक के टायर के पास आकर ही सहम कर बैठ गई। मैंने तुरंत ही अपने बाइक के स्टैंड को लगाया और तुरंत उससे जाकर पूछने लगा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? जिस पर वो बोली, मैं बस अपने घर ही जा रही थी। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं शाम को यहाँ आई थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं अचानक से बेहोश हो गई थी। अभी मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से अपने घर जा रही थी कि रास्ते में आप मिल गए। इतना बोलकर वो लड़की चुप हो गई। अब मेरी बारी थी, तभी मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? जिस पर उसने कहा, बस यहीं पास में ही है, यहाँ से केवल 5 मिनट का रास्ता है। इतना सुनते ही मैंने सोचा कि रात का वक्त है और अकेली लड़की है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बस इतना सोचते ही मैंने पूछा, बस थोड़ी दूर है ना? तभी उसने अपना सर हाँ में हिलाया, जिस पर मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात को इस वक्त लड़की को ऐसे सुनसान रास्ते पर नहीं होना चाहिए, क्या पता कौन सी अनहोनी हो जाए। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी बाइक पर बैठ गया और उस लड़की से भी बैठने को कहा। वो लड़की पहले तो थोड़ी शर्माई, लेकिन आखिरकार वो बैठ ही गई। उसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था और फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हम दोनों सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते से आगे जाने लगे। मुझे ये रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं था। बस उस लड़की ने जिस ओर मुझसे जाने को कहा, मैं उसी ओर चलता गया। कुछ देर तक आगे जाने के बाद मुझे एक छोटा सा घर दिखा। वो घर कम एक झोंपड़ा ज़्यादा लग रहा था। उस लड़की ने मुझे वहीं पर रुक जाने को कहा। मैंने भी उस घर के सामने अपनी बाइक को रोक दिया और फिर वो लड़की मेरी बाइक से उतरी और अपने घर के दरवाजे पर आवाज़ करने लगी। मैं अपनी बाइक को वापस मोड़ ही रहा था कि मैंने देखा कि उस लड़की के घर का दरवाज़ा कोई खोल ही नहीं रहा है।
तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ अचानक और मैं वापस अपने बैग से उतरकर उस लड़की की मदद करने की सोचने लगा। मैं उस लड़की के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम रुको मैं कोशिश करता हूँ। तभी मैंने दरवाजे पर हाथ से मारना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो दरवाजा खुला और ना ही किसी ने अंदर से आवाज़ दी। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा था और अब मैंने थोड़ा जोर लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो दरवाज़ा वैसे के वैसे ही बंद पड़ा रहा। इसके बाद मैं वहीं पर बैठ गया और उस लड़की से कहा, तुम्हारे घर के लोग शायद सो गए हैं, इसीलिए शायद कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। मैं इतना बोल ही रहा था कि अचानक से एक आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ अपने आप ही खुल गया। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन फिर सोचा कि चलो कम से कम किसी ने तो दरवाज़ा खोला। मैं इंतज़ार करने लगा कि कोई शायद से उस दरवाजे के बाहर आए, लेकिन थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं निकला तो मैं बड़ा हैरान था। फिर वो लड़की अंदर गई और मुझसे कहने लगी, आप भी आइए ना, थोड़ी देर में चले जाना। मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ पल के लिए अंदर लड़की के माता पिता से मिल लेते हैं, इसी बीच मेरे हाथ भी ठीक से काम करने लगेंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से मेरी उंगलियां काम करना बंद कर रही थी। मैंने फिर उसके घर के अंदर अपना कदम रखा। मुझे तभी से एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके घर में बहुत सारे लोग हों, लेकिन मुझे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिस पर उसने अपने हाथ से एक दीवार की ओर इशारा करते हुए मुझे जवाब दिया, वहाँ उधर हैं। जब मैंने उस दीवार की ओर देखा तो कोई इंसानी सर उस दीवार के बाहर निकलता हुआ दिखा। मुझे पहले तो लगा जैसे ये बस सजावट के लिए लगा रखा है। उस सिर के हाथ पांव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ पैर को इसी दीवार में किसी ने चुना दिया हो। मुझे ये सब एक पुतला जैसा दिखाई पड़ रहा था कि तभी उस सिर ने अपनी आंखें खोली। ये देखकर मैं एकदम से सहम गया और एकटक उसे देखने लगा। फिर धीरे धीरे उस दीवार से सिर के साथ साथ उसके शरीर के अलग अलग हिस्से बाहर आने लगे। मैं डर के मारे उस लड़की की ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ वो लड़की नहीं थी। मेरे दिल की धड़कने एकदम से अब बढ़ चुकी थी। मैं अचानक से कांपने लगा। मैंने जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ मेरे मुँह पर आ गया और मेरे मुँह को कसकर पकड़ लिया। मैं अब जाकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और फिर मैंने देखा कि मेरे पैर को किसी के हाथों ने कस के पकड़ लिया है। मैं ये देख ही रहा था कि तभी कई सारे हाथ पीछे की दीवार से निकलकर मुझे एक एक करके पकड़ने लगे और मैं अब दीवार से जा सटा। तभी मैंने खुद को उस दीवार से अलग करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मैं जितना कोशिश करता उतना ही उस दीवार में धंसता जा रहा था। फिर अचानक से मैंने मेरे हाथ पैर मारने की कोशिश की और एकदम से सारे हाथ कहीं पर गायब हो गए। तभी मैं नीचे गिर गया और मैं अब भी दरवाजे के काफ़ी करीब था। मैंने दरवाजे से रेंगते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरे पैरों को पकड़ लिया और फिर मैं घसीटता हुआ पीछे खींचा चला गया और एक दीवार से जाकर जोर से टकरा गया। मैंने अपने पीछे की दीवार को देखा जहाँ लाल रंग बिखरा हुआ था। जब मैंने अपने हाथों से उसे छूकर देखा तो वो कोई लाल रंग नहीं बल्कि इंसानी खून था। ये देखकर मुझे लगने लगा था कि आज शायद से मेरी मौत निश्चित है। लेकिन फिर मैंने मेरे बगल की एक दीवार को देखा जो थोड़ी ही देर पहले बारिश की वजह से पूरी तरह गीली थी। मैं समझ गया कि ये दीवार बहुत पतली और कमज़ोर है। तभी मैंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और उस दीवार पर जोर से मारा। इतने में उस दीवार की कुछ ईंटें नीचे जा गिरीं और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। मैंने तुरंत उस रास्ते से निकलने की बहुत ही कोशिश की और मैं किसी तरह बाहर निकल आया। तभी मैं बिना पीछे मुड़े कुछ दूर तक भागता रहा। वहां से सीधा भागकर मैं सड़क तक आ गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे दूर से आती एक बस दिखाई दी और मैं अपनी बाइक को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया, जहाँ पर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। और फिर सुबह अपने साथ कई लोगों को लेकर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर केवल मेरी बाइक पड़ी हुई थी। आसपास वो कुटिया कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दी।
मैं सारी बात समझ गया कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि कोई रूह थी जिसने मुझे जानबूझकर यहां तक लाया था। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी उस रास्ते पर रात में अकेले सफर नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।